नमस्ते फ्रेंड, अमृता किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू और बाखला की सब्जी बनाएंगे। ये बाखला की फली होती है, बिहार और हिमाचली लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और आलू और बाखला की सब्जी बनाएंगे, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है सब्जी। तो जिस तरीके से हम बनाएंगे सब्जी, उसी तरीके से आप बनाना। अगर मेरी वीडियो में नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली आपको वीडियो जल्द ही मिलती रहे। आलू और बाखला की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अगर वेट में देखा जाए तो अपना बाखला की सब्जी आधा किलो ले ली हमने। इसको साफ़ करके फलियों को उसके हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया। आधा किलो आलू ले लिए हमने, इसको छील कर धोकर और इसको बारीक टुकड़ों में काट लिया। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने सरसों का तेल ले लिया, अच्छी तरह गरम कर लिया। सरसों का तेल ले लिया, इसको हमने गरम कर लिया अच्छी तरह। इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी राई डाल देंगे। इसको कड़कने देंगे अच्छी तरह। जीरा हमारा कड़क गया तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे चार टमाटर, चार हरी मिर्चें जिसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, ये डाल देंगे पेस्ट। इसको हिला देंगे, साथ के साथ मसाले भी डाल देंगे। नमक डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ के साथ मैगी मसाला भी डाल देंगे। इससे स्वाद बढ़िया बन जाता है। एक पाउच पूरा पड़ेगा, साथ के साथ इसको हिला देंगे। थोड़ा मसाले के अंदर नमक मिर्च पकने देंगे अच्छी तरह, फिर हम सब्जी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, दो चम्मच। दो मिनट हो गए हैं तो मसाले के ऊपर तेल आ चुका है। देखो जरा, वीडियो में देख रहे हो आप, तेल आ चुका है। अब हम सब्जी डाल देते हैं। आलू डाल देंगे, बाखला डाल देंगे, इसको हिला देंगे। कुकर को बंद कर देते हैं और दो विसल आ जाएगी तो हम कुकर को खोल देंगे। दो विसल हो रही है तो हम कुकर का ढक्कन खोल देते हैं। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, एक एक दाना अलग बनी है। अब बाउल में निकालेंगे। सब्जी तो बन के तैयार हो गई है, साथ के साथ हम धनिया भी डाल देते हैं सब्जी में, गार्निश के लिए सही लगेगा। अब इसको मिला देंगे। बाउल में निकाल लेते हैं सब्जी। आलू और बाखला की सब्जी बन के तैयार हो गई है और ये दो विसल में बन के तैयार हो जाती है। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, देखने में भी अच्छी लग रही है। और एक एक दाना अलग बना है, एक एक दाना अलग बना है, सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिलती रहे। और अगली नई रेसिपी के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।